चार हरी मिर्चें चार टेबलस्पून ग्रीन धनिया चार से पाँच लहसुन के जवे हाफ इंच अदरक का टुकड़ा चार टेबलस्पून क्रीम ढाई कप बॉयल पास्ता आइए सबसे पहले हम इसकी ग्रैंड ब्लाइंडिंग जो भी हमने करनी है वो हम इसके स्टार्ट करते हैं ग्राइंडर की एक डब्बी ले ली उसमें चार टेबल स्पून चार मिर्चें डाली हैं लहसन के जवे अदरक और चार टेबल स्पून धनिया और हाफ कप दूध डाल के मैं इसको अच्छी तरह ग्रैंड कर लूँगी अच्छा यहाँ पर जो मैंने मिर्चें ली हैं वो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली हैं तो इसलिए मैंने चार ही ऐड की हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसमें हमने रेड मिर्च ब्लैक पेपर किसी भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना तो लिहाजा जो आपने मिर्च पास्ते में जितनी ऐड करनी है वो आपको इसी पॉइंट पर सेट करनी होगी अब हम कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चूल्हा आंच मीडियम पे उसमें मैंने चार से पाँच टेबल स्पून ऑइल एड किया ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो जो मैंने ग्राइंडर करके मटीरियल रखा था वो ऐड कर दूंगी और यहाँ पे ये यह हुआ जी जो लहसुन और अदरक मैंने डाला था वो ग्लैंड नहीं हुए हुए थे तो मैंने उसको निकाल दिया ताकि वो टेस्ट ख़राब ना करें उसके बाद मैंने इसमें एक टेबल स्पून चिकन पाउडर हाफ टी स्पून नमक और दूध डाल के इसको अच्छी तरह पका लूँगी यहाँ तक जो है ना दूध हमारा जो हाफ हमने डाला है वो एवेपोरेट हो जाए अभी हल्का हल्का पानी सा था मतलब दूध ही था तो उसके अंदर मैंने बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया है पास्ता मैंने पैकेट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ढाई कप जो है वो बॉइयल कर लिया था नमक डाल के फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी से गुजार के ऑयल लगा के रख दिया है अच्छी तरह आप इसको ग्रीन मिक्सचर में इसको मैं मिक्स करूँगी उसके बाद जी मैंने इसके अंदर फोर टेबल स्पून के करीब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे अगर आपके पास क्रीम नहीं है और आप दूध की मलाई को भी पसंद करते हैं या कच्चे दूध की मलाई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अब इसको प्लेट में निकालिए सर्व किए की। ये कीजिए ये, ये रेसिपी दो लोग के लिए इनफ है अगर रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग